दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जो कुछ ही दिन पहले हुए क्रिकेट महिला विश्व कप में बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करके दिखाया है, जिससे इनको पूरे भारत में चर्चा की जा रही है और लोगों को इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार की बारिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरमनप्रीत कौर के बारे में। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है। कुछ दिन पहले क्रिकेट महिला विश्व कप में इन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। इस समय हरमनप्रीत देश की उन काबिल बेटियों में हैं जिनसे युवा वर्ग खूब प्रभावित हो रहा है। इन्होंने अपने परिश्रम से महिला क्रिकेट को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही कई युवतियों में क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। ये एक सफल बल्लेबाज के तौर पर भारत महिला क्रिकेट टीम में खेल रही है। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर के जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले प्लीज आपसे निवेदन है कि ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में घंटी वाली बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च 1989 में पंजाब के मोगा में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमंदर सिंह भुल्लर और माता का नाम सतविंदर सिंह है। इनके पिता एक अच्छे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी है। इनकी छोटी बहन हेमजीत सिंह मोगा गुरु नानक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इनकी बहन ने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी MA किया है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से तब जुड़ी जब उनका दाखिला ज्ञान ज्योति स्कूल अकादमी में हुआ। यह स्कूल इनके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ पर ये शुरुआती दौर में कमलदीप सिंह से क्रिकेट की बारीकियाँ सीखने लगी। साल 2014 में मुंबई आ गई, जहाँ पर इनकी नौकरी भारतीय रेल के अंतर्गत मुंबई में लगी थी। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट के प्रति उत्साहित और लगाव मशहूर भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से बहुत ही प्रभावित हुआ करती थी। हरमनप्रीत कौर ने औपचारिक तौर पर क्रिकेट में अपना डेब्यू महज 20 वर्ष की वायु में वर्ष 2009 में पाकिस्तान वुमेन के अंतर्गत अर्क राइवल्स के विरुद्ध किया। इसी वर्ष वीमेन्स क्रिकेट विश्व कप में भी इन्हें खेलने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में खेलते हुए उन्होंने एक मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी में महज 10 रन दिए। जून 2009 में इन्होंने अपना 20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। यह टूर्नामेंट 2009 ICC वीमेन्स वर्ल्ड 20 था। यहां इन्होंने इंग्लैंड वीमेन के विरुद्ध अपना डेब्यू किया था। काउंटिंग ग्राउंड में इंग्लैंड के विरुद्ध अपने T20 डेब्यू मैच में इन्होंने 7 गेंदों में महज 8 रन ही बनाए। साल 2012 में होने वाले वुमेन T20 एशिया कप के फाइनल मैच में इन्होंने भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तानी भी की। इस समय महिला टीम की तत्कालीन कप्तान खाली राज और उप कप्तान झूलन गोस्वामी दोनों ही घायल होने की वजह से मैच से बाहर थी। इस सीरीज में इनकी कप्तानी का डेब्यू पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के विरुद्ध हुआ। इनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 81 रनों से पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया। साल 2013 में मार्च में इन्हें बांग्लादेश वुमेन टूर के लिए महिला टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। यहां की सीरीज में एक दिवसीय मैच खेले जाने वाले थे। साल 2013 में मार्च में इन्हें बांग्लादेश वुमेन T20 के लिए महिला टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। यहां की सीरीज में एक दिवसीय मैच खेले जाने वाले थे। इस सीरीज के दूसरे मैच में हरमनप्रीत कौर ने अपना दूसरा शतक बनाया। इस सीरीज में इन्होंने 97.5 की औसत से कुल 195 रन बनाए, जिनमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। इस टूर्नामेंट में इन्होंने एक औसत गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट की छटके। साल 2014 में 8 महिला क्रिकेटरों ने टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें हरमनप्रीत कौर भी शामिल थी। यह टेस्ट मैच इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला जाने वाला था। यह टेस्ट उमरसले के सर पाल बेटी ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाने वाला था। हालांकि इस टेस्ट मैच में ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और महज 9 रन ही इनकी तरफ से भारतीय महिला टीम के खाते में जुड़े। इसके बाद नवंबर 2015 में होने वाले दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले जाने वाले टेस्ट मैच में इन्होंने 9 विकेट झटके। यह टेस्ट मैच मैसूर के गंगोत्री ग्लेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। इस टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने पर भारतीय महिला टीम को टेस्ट मैच पारी से जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। जनवरी 2016 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट सीरीज के एक मैच में 31 गेंद में 46 रन बनाए। यह मैच अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में एक बड़ा चेस था। अपने अच्छे क्रिकेट में प्रदर्शन की बदौलत भारतीय महिला टीम को सीरीज जीतने का मौका मिला। इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए इसी वर्ष होने वाले महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया। इस विश्व कप में प्रदर्शन करते हुए इन्होंने 4 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट भी लिए। इसी वर्ष जून में ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिसे किसी विदेशी T20 फ्रेंचाइजी ने साइन किया। इन्होंने वुमेन बिग वेस्ट लीग चैंपियन के लिए सिडनी थंडर ने 2016-2017 के सीरीज के लिए साइन किया। साल 2017 वुमेन क्रिकेट विश्व कप में भी इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इन्होंने 20 जुलाई को डर्बी में होने वाले विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 115 गेंदों में 171 बनाकर नवाबाद पारी खेली। यह स्कोर इस समय भारतीय महिला क्रिकेट में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर किसी पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारत की ही महिला खिलाड़ी है जिनका नाम दीप्ति शर्मा है, जिन्होंने 188 रन बनाए थे। हालांकि किसी नॉक आउट विश्व कप इनिंग में सर्वाधिक रन बनाने की सनद इन्हें भी हासिल है, जिन्होंने करेन रोल्टन का 107 रनों की नवाद पारी का रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत कौर 2017 में हुए महिला विश्व कप में फाइनल तक पहुंचने वाली महिला भारतीय टीम में शामिल थी। इस विश्व कप के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड से महज 9 रनों से हार गई। इस तरह से हरमनप्रीत कौर ने अपने क्रिकेट से विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है। इन्हें देखकर कई लड़कियों को सपने पूरे करने का जज्बा हासिल होता है। हरमनप्रीत कौर दूसरी भारतीय कप्तान है तो भारतीय क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में कप्तानी करेंगी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद हरमनप्रीत ने ये बड़ा काम कर दिखाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। पहली बार महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। 8 मार्च को भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से होगा। T20 वर्ल्ड कप भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टीम इंडिया ग्रुप ए में 8 अंक के साथ सबसे ऊपर है। वर्ल्ड कप में इंडिया के 4 मैच हुए, उन सभी में उन्हें जीत हासिल हुई। हरमनप्रीत कौर और पूरी टीम को और हमारे तरफ से और हमारे इस चैनल के दर्शकों की तरफ से बहुत सारी बधाई। वीडियो को देखने के लिए।